हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी ई लर्निंग क्लासेस। दिस इज द न्यू चैप्टर द अर्थ एंड इट्स मूवमेंट। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड नंबर का प्लेनेट है और इसमें कई ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है। जो यही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है और यह लाइफ यहाँ पर सभी तरह के मानव जीव जंतु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हर प्रकार के वन्य प्राणी में ये विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है। सामान्यतया हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर जल की उपलब्धता और वायुमंडल की अनुकूलता के कारण ही ये यहाँ पर जीवन पॉसिबल हुआ है। हमारी अर्थ दो तरह के मूवमेंट करती है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। एक है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि रोटेशन में पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर चारों तरफ घूमती रहती है और इस घूर्णन क्रिया में वह कुल 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे अर्थात एक दिन और रात। और जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी के ऊपर दिन और रात का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर पृथ्वी किस तरह से सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट के ऊपर सूर्य के चक्कर लगा रहा है। अब देखेंगे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो यह 365 डेज यानी कि एक वर्ष। और इस रिवोल्यूशन की वजह से हमारे पृथ्वी पर कई तरह की ऋतुएं अर्थात सीजन होते हैं जिनमें स्प्रिंग, विंटर, समर और ऑटम, ये प्रमुख सीजन जो है वो हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा कि रोटेशन के बारे में जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर डे और नाइट बनते हैं और इसको रोटेशन को करने में 24 घंटे अर्थात एक दिन का समय लगता है। रिवोल्यूशन जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर ऋतुएं अर्थात सीजन बनती है और इसको करने में 365 वर्ष यानी कि एक साल का समय लगता है और जिसकी वजह